हेलो दोस्तों, तैयार हो जाइए जानवरों की एक और हंसा देने वाले वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में भी आपको हर बार की तरह भरपूर एंटरटेनमेंट देखने के लिए मिलने वाला है, तो इसीलिए वीडियो के किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ये है एनिमल मोमेंट पार्ट 149। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। इस जगह पर एक बाइक पार्क करके रखी गई थी और मालिक गायब था, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ये बुल गाड़ी की तरफ आया और भाई ने सोचा कि क्यों ना आज इस बाइक की एक टेस्ट राइड ली जाए, और अपने सपने को साकार करने के लिए ये बुल गाड़ी पर बैठकर फरार हो गया। अब बाद में जब मालिक आएगा तो जब गाड़ी की हालत देखेगा तो उसके होश जरूर उड़ जाएंगे। वाओ, ये तो हायाबुसा है। It's showtime. अबे धादे याओ, I'm a rider. मैं तिवारी, मुझे मत डालेगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब कोई कुत्ता आपके आसपास हो और आपको शांति का माहौल नसीब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आप यहाँ देखिए। इस क्लिप में लोग बीच पर एंजॉय करते नजर आ रहे हैं, तभी एक कुत्ते ने इस लेडी को बीच पर लेटे देखा और उसे सूंघने लगा, और ये करने के बाद भाई तुरंत लड़की पर चार्ज हो गया, जिसे शायद लड़की का पिछवाड़ा कुछ खास पसंद नहीं आया और उसी वजह से भाई का दिमाग सटक गया। धूप में निकला न कर रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए का। मस्त माल है मेरी जोड़ी। यहाँ ये भाई मस्त गाना बजाते हुए जंगल से होकर कहीं जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे इस ऑस्ट्रिच ने रोक लिया, जो कि ठीक रास्ते के बीचों बीच खड़ा है और गाड़ी में बज रहे गाने पर अपने ठुमके बरसा रहा है। ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। चल चल अबे। क्या है रे? बंदरों में मस्ती करने की कितनी ज्यादा खुजली होती है ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं। जैसे कि ये बंदर कहीं से खाना लाया है और दूसरे वाले को चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहा है, जो पता नहीं आखिर क्या साबित करना चाहता है। तुम लोग की औकात है क्या रे? कुछ नहीं कर सकते तुम लोग के खाने पीने के वांदे। हमारे नाक में मत लगो रे, तुम लोग बहुत मारते हम लोग, तुम लोग को नहीं मालूम। यहाँ ये भाई अपने पालतू मेंढक को मेडिसिन खिलाने की कोशिश कर रहा है, जो उसे खाना दिखाता है और दवाई पिला देता है, जिसके बाद इस मेंढक के रिएक्शन तो देखिए, जो अपने मालिक से शायद यही कह रहा होगा, अबे साले मालिक, तू मुझे दवाई दे रहा है या जहर? क्या है ये बोतल? ये बोतल है कि पूरा होटल है? ये होटल में दारू? अरे मेरे को नहीं पीने का यार, मैं पिलाऊंगा यार। ले ले, गुल 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 गुल। अरे कितनी गर्मी है, नीट पिला रहा है क्या? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। कभी कभी दोस्तों, गलती से हमसे फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है और हमें पता ही नहीं होता, और वैसा ही कुछ इस घोड़े के साथ हुआ, और अब ये कैमरे में अपनी बत्ती से दिखाने में बिजी है, जो शायद कैमरे में घुसकर ही मानेगा। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ, तुम खुद देखो, ये देखो, मैं ये नहीं कहता तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूँ या नहीं हूँ। ये देखो, इसे कहते हैं रौनक। पांडा हमेशा से ही बड़े प्यारे जानवर होते हैं, जिनके कई वीडियोस भी आपने देखे ही होंगे, लेकिन अभी हम आम पांडा की नहीं बल्कि इस रेड पांडा की बात कर रहे हैं, जिसे आपने शायद ही देखा होगा। नहीं, वो तो हमने कभी देखी ना। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि ये पांडा किस तरह इतने प्यार से अपने हाथों में फूलों का गुच्छा लेकर कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मिनट भाई, पहली बार मिलने जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना है। ये क्या लाया हूं? ऐसा लगता हूँ मैं शाहरुख शाहरुख शाहरुख। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। फिलहाल काफी लोग घूमने के लिए अलग अलग जगह पर जाना पसंद कर रहे हैं, और इसी के चलते इन भैंसों की गैंग ने सोचा कि क्यों ना आज पूल पार्टी करी जाए, और इसी के चलते सभी भैंसियाँ इकट्ठा हो गई और पूल के मजे लेने लगी, जो कि आप देख भी सकते हैं। आज
अरे ये स्विमिंग पूल है, इसमें बाल्टी डालने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट जाओ ना। अरे ऐसा कैसा डायरेक्ट, खूब ठंडा है। अब जरा इस क्लिप को देखिए जिसमें ये बच्चा कितने प्यार से इन पक्षियों को खाना खिलाने में लगा है, जिसे ऐसा काम करते देख कितना अच्छा लग रहा है और सारे पंछी भी काफी खुश है जो एक एक करके अपने बारी का इंतजार करते हैं और मुंह खुला करके बच्चे के सामने खड़े हैं। साले ये देना मेरे को दो। इंसान की कौन है लिखा? अरे छीनो मत, छीनो मत। क्या बाबू मोशा है हाँ? ये कुछ तो दे रहे। अरे मालूम है, ये ले ले, चल चुप बैठा। तो क्या हम लोग बैठ के आधा मादा कौन कौन पादा खेलेंगे? कुत्तों की इस प्रजाति को तो आपने देखा ही होगा जिन्हें कॉर्गी कहते हैं। ये कुत्ते साइज में छोटे होने के साथ साथ इनके पांव का साइज भी आमतौर पर काफी छोटा होता है और इसी वजह से यह अतरंगी कुत्ता अपने ही साथी के छोटे पैरों का मजाक बनाते हुए उसे चिढ़ा रहा है, जो कह रहा होगा ये देख तू भी जब ऐसा चलता है तो लगता है जैसे कोई पैरों वाली मछली चल रही है। अबे तू मेरी नकल करता है, मजाक उड़ाता है, बोलो तेरे मम्मी को। जेठा अंकल भड़क गए। कौन कहता है जानवर पार्टी और हंगामा नहीं करते। यहाँ इस बर्ड को देखिए, लोगों के घर में लाइट नहीं है और इस बर्ड ने अपने घर को डिस्को बना रखा है, जो मस्त लाइट ऑन करके ऐसे बैठा है मानो भाई के पास पैसों की कोई कमी नहीं। स्क्विरल को आपने आमतौर पर देखा ही होगा, लेकिन अब जरा इसे स्क्विरल पर एक नजर मारिए जो इस पेड़ पर अपने साथ दारू का खंबा लेकर बैठी है। लगता है ये डिस्को वाली बर्ड और स्क्विरल दोनों बैठकर ऐश करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कमाल रे बाबा, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। अब सुख आयो रे। अरे सिद्धू कहाँ चले गए भाई? सिद्धू साल की नियत में ही खोट था, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है बोला था उसने और कर डाला रे देवा, उसने कर डाला रे देवा। तो अगर आप इस वीडियो का पार्ट 150 चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए पार्ट 150। कुछ जानवर हाइट में तो काफी छोटे होते हैं लेकिन उनके कांड काफी बड़े होते हैं। नहीं, अभी हम किसी कुत्ते की बात नहीं कर रहे बल्कि इस सुअर की बात कर रहे हैं जो खाली फोकट इस बुल के आगे जाने की कोशिश में लगा है और बुल भी उसे आसमान के दर्शन कराने के लिए रेडी था, लेकिन पता नहीं इस सुअर के बच्चे में अचानक से इतनी पावर कहां से आ गई कि उसने इतने बड़े बुल को डराकर भगा दिया, जो अब खुद को इस एरिया का डॉन समझ रहा होगा। ये निकले बाबा, साला खुद हवा खराब करता है, कितना पावड़ा खाता है दबा के। रुक तेरे को बता दे। ये क्या बात हुई? मत जा, रुक जा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो चाहे इंसान के हो या फिर जानवरों के, दोनों भी काफी मस्तीखोर होते हैं, जिसे आप यहाँ देख ही सकते हैं। इस क्लिप में शेरनी अपने बच्चों के साथ दिखाई दे रही है जो कि यहाँ पर आराम करने के लिए आई थी, लेकिन उसके बच्चे हैं कि उसे वहां पर बैठने तक नहीं दे रहे। जैसे ही शेरनी ने सोने की कोशिश की तब बच्चे उसके ऊपर चढ़ने लगे, जो कह रहे हैं मम्मी बहुत सो लिए, अब हमारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलो। मम्मी मेरे को मकड़ी का पीना है दूध। मम्मी मुझे गधे की चौमिन खानी है। मम्मी मुझे बंदर का। आज चैन की नींद मेरे नसीब में है ही नहीं। अरे सोने दो भाई, सोने दो, मेहरबानी करो मेरे ऊपर। अरे अभी क्या है भाई, अभी क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? वैसे तो जंगली जानवर काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन कभी कभार इनके भी पास जाना इतना खतरनाक नहीं होता, और वो इस भाई ने लाइव करके दिखाया। इस गैंडे को खुजली हो रही थी जिस कारण वो काफी देर से इस जगह पर रुका हुआ था, और जैसे ही इस भाई ने गैंडे को देखा तब तुरंत उसकी खुजली मिटाने के लिए उसके पास चला गया, जिसके बाद गैंडे भाई साहब की खुशी तो देखिए, जो कह रहा होगा वैसे इंसान इतने भी बुरे नहीं होते, ये आज पता चला। जरा इधर खुल जाइए तो। इधर इधर थोड़ा सा। इधर भी, इधर भी, इधर। नहीं नहीं नहीं, सीधा कर, लेफ्ट कर, नीचे कर, ऊपर कर, राइट कर। तुम बहुत मस्त काम करते हो मकसूद भाई। बंदर हमेशा से ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिनसे लोगों को परेशानी हो, लेकिन इस वाले बंदर को देखकर आप भी हंसने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ अपना बंदर भाई मस्त नहा धोकर सूट पहन के बैठा था
और जैसे ही ये लड़की अपना सर झुकाकर सभी को नमस्ते करती है तब उसे भी ऐसा करना पड़ता है और ये करने के चक्कर में भाई का टकला प्रदर्शन हो गया जो फिर भी अपने टकले को छुपाकर विग सीधा कर रहा है। लेकिन फिर एक बार भाई का उजड़ा चमन दिख जाता है जो कह रहा होगा यहाँ मेरा आसमान उजड़ा जा रहा है और इस औरत को नमस्ते करने की पड़ी है। सलाम कर रहा है कि सलाम बेच रहा है? अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। पता नहीं कुत्तों को लोगों की गाड़ियों के पीछे भागने में इतना मजा क्यों आता है। एक बात बता, ये सब करके तुझे क्या मिल जाता है? मजा आता है। और उनका वही मजा बाकियों के लिए सजा बन जाता है जो कि आप इस क्लिप में देख ही सकते हैं जिसमें ये भाई अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहा होता है और ये अतरंगी कुत्ता भाई छुपकर उसके आगे आने का इंतजार कर रहा है और जैसे ही भाई आगे आया कुत्ता भाई ने उस पर हमला बोल दिया जिसका मिशन आखिरकार साकार ही हो गया। लेकिन पता नहीं कुत्ते को ऐसा करके आखिर मिला क्या जो खुद को शेर समझ रहा है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। चल 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 निकल यहाँ से। बंदर हमेशा अपने झुंड के साथ रहते हैं और ये बात आपको भी शायद पता ही होगी लेकिन जरा इस वाले बंदर को देखिए जो शायद झुंड से बिछड़ चुका है और इसी कारण भाई ने अपने BMW की साइकिल निकाली और अपने साथियों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा जो कह रहा होगा साले मुझे अकेले को छोड़कर पता नहीं कहां मुंह काला करने के लिए चले गए। पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ मर गए सब गांव वाले? मौत से पहले मर गए क्या? खैर जानवरों के ऐसे कारनामे कभी खत्म नहीं होंगे इसलिए आपको इनमें से कौन सा कांड सबसे फनी लगा हमें कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।